मरकरी इन नाइन्थ हाउस, यानी कि जो कि बुनियाद होती है कुंडली में नौवां घर, यहां पर भी मरकरी को तिलस्मी भूत बोला गया, यानी यहां ने यहां पर भी इतना खराब बोला गया कि पहली ही लाइन में इसको बोल दिया तिलस्मी भूत, जैसे थर्ड में बोला था ऐसी नौवे में भी बोल दिया। तो इससे ये एक पक्का घर है जुपिटर का, जैसे अरुण जी बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ ये केतु की उच्च राशि होती है क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष की सेजिटेरियस राशि आती है, तो ये केतु की यहाँ उच्च राशि होती है। अब इसको यहाँ पे बोला गया सब्ज रंग, यानी कि मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले बोला था कि मसनूई का एक कॉन्सेप्ट, यानी दो घर जब मिल जाएं तो उस यानी दो प्लैनेट जब मिल जाएं तो एक तीसरा प्लैनेट बन जाता है, तो इसको मसनूई बोलते हैं। तो यहाँ पे नौवें घर में अगर बुध है तो कहते हैं बुध अपने आप में जुपिटर और राहु होता है, इनमें दो प्लैनेट की इसके अंदर एनर्जी होती है, तो नौवें घर में इसको अच्छा नहीं बताया गया। इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे संज्ञा दी गई सब्ज रंग, क्योंकि इसके अंदर दो प्लैनेट छुपे हुए हैं जुपिटर एंड राहु, तो नौवें घर में इसको अच्छा नहीं बताया गया। पितृ ऋण का कारक भी माना गया इसको बहुत बड़ा। मरकरी की कंडीशन एक कंडीशन में अच्छी बताई गई, अगर नौवें घर में बुध है मगर पहले तीसरे छठे सातवें नौवें ग्यारहवें घर में मून यानी चंद्रमा और केतु और जुपिटर हैं, तो मरकरी को फिर भी इन्होंने एक कैंसिलेशन रूल बताया कि इतना बुरा नहीं, ठीक है, अच्छा माना, मतलब उसको उसको बुरा नहीं, इतनी संज्ञा नहीं दी गई। और अगर बुध नौवें घर में है तो देन उसमें बताया गया कि पहला साल, चौथा साल, 17वां साल और 7th ईयर, 15th ईयर और 34वां साल आर नॉट गुड जातक के लिए। तो यानी कि किसी न किसी तरीके की उस जातक को प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी आ सकती है, उसके बिजनेस में भी आ सकती है, उसके फैमिली में जो भी मरकरी से रिलेटेड कारकत्व है, बहन, बुआ, बेटी, मासी, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम यहाँ भी बताई गई कि यहाँ पर भी तुतलाना है स्टैमरिंग, जो कि थर्ड हाउस में भी थी, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। और अगर जुपिटर छठे आठवें दसवें ग्यारहवें हो तो बोला गया कि बुध और भी खराब माना जाएगा नौवें घर का। अगर जुपिटर इनमें से किसी भी घर में, यानी छठे घर में है, आठवें घर में है, दसवें घर में है और ग्यारहवें घर में है, तो बुध को और भी खराब बताया गया। बुध नाइन्थ हाउस में है और ग्यारहवां घर खाली है तो भी उसे बुरा बताया गया, कि अगर बुध नौवें घर में है और ग्यारहवां घर खाली है तो भी उसे खराब बताया गया। इसमें रेमेडी बताई गई नाक छेदन, चांदी की चेन पहनना, किसी से कोई ताबीज ना लें और मतलब अपनी वाणी पे संयम रखें, वाणी दोष से बचें, तो ये बताया गया। तो अभी मैं यहाँ पे रोकूंगा और अब आप कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। बुध अगर छठे घर में हो केतु के साथ में, तो छठा घर केतु का भी हुआ, छठा घर बुध का भी हुआ, तो अच्छा हुआ। जी, ये आपने पिछले क्लास में दोनों में भी पूछा था सवाल, ही मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो हाँ, अच्छा ही माना जाएगा, मगर केतु केतु यहाँ पे देखिए, केतु का घर होने के बाद भी केतु को यहाँ नीच का बोलते हैं छठे घर में, ठीक है। अच्छा हाँ, केतु को नीच का बोलते हैं, बोल है ये केतु का ही घर क्योंकि पाताल का घर है, मगर कहीं पटल मगर कहीं ना कहीं केतु को यहाँ पे अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे बुध को तीसरे घर में अच्छा नहीं मानते जो तीसरे उसकी जमीनी राशि है, इसलिए छठे घर में केतु को भी अच्छा नहीं मानते हैं छठे घर में। इसलिए क्यों, कहाँ अच्छा मानते हैं, बारहवें घर में, जस्ट ऑपोजिट वाले घर में अच्छा मानते हैं, और राहु को छठे घर में अच्छा मानते हैं। बेशक अपना घर है मगर अपना घर भी खराब कर सकता है, हमें लाल किताब में सीखने को मिलता है कि अपने घर में भी प्लैनेट का होना कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। तीसरे घर में बोलिए, तो मतलब बुध भी खराब हुआ क्या यहाँ पे? नहीं बुध यहाँ पे खराब नहीं है, बुध छठे घर में खराब नहीं है, नहीं बुध खराब नहीं है, बुध के कारकत्व खराब केतु कर सकता है, तो बुध खराब नहीं है मगर बुध के कारकत्व खराब हो सकते हैं, जैसे कि स्किन रिलेटेड कोई इश्यू आना, जैसे कि अरुण जी ने पिछली क्लास में भी बताया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है ना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो केतु बुध को खराब कर सकता है, नसों की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है,
ये सब प्रॉब्लम, और अगर ये जातक को नहीं है तो हो सकता है जातक की जो बहन बुआ बेटी मासी है उनको आ सकती है, और हो सकता है जातक का बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मरकरी बिजनेस भी दिखा रहा है। तो बुध की प्लेसमेंट तो अच्छी है मगर कोई और प्लैनेट उसको खराब कर सकता है ना मरकरी को। सर यही बुध छठे में और केतु भी बैठा है, अगर बुध अकेला भी छठे में बैठा हो, अगर कोई वर्ष फल में लगन में कोई प्लैनेट आ जाए और छठा घर में बुध भी रहे तो टक्कर लगाएगा ना सर, वही बुध तो टक्कर लगाएगा जी, टक्कर लगेगी बिल्कुल। तो किसी भी प्लैनेट किसी भी हाउस में अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही बात है, सही बात है। ठीक है ऋषि जी, हाँ जी, आठवें घर से फर्स्ट वाला को टक्कर मारेगा। देखिए पहले घर का जो प्लैनेट होता है वो आठवें घर वाले प्लैनेट को टक्कर मारता है। ये छठा घर है ना, पहले घर का तो आठवां को मारता है, छठे घर से वन को मारेगा क्या, क्योंकि रिवर्स में देखेंगे तो ये आठवां हो जाता है। देखिए रिवर्स में जब बात करें तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट जनरली एज अ रूल नहीं है ये कि मतलब उल्टा कोई टक्कर मारेगा, पहले वाला ही आठवें को मारेगा ऐसा, दूसरा वाले से आप आठवें चले तो नौवें को मारेगा, दूसरा वाला नौवें को मारेगा, तीसरा वाला दसवें को मारेगा, चौथा वाला ग्यारहवें को मारेगा, ऐसे है। मगर जैसे जैसे छठा वाला फिर एक को मारेगा। देखिए जैसे हम उल्टा उल्टा चल रहे हैं तो पांचवें, अब चौथे वाले ने किसको मारी, ग्यारहवें को, चौथे वाले ने ग्यारहवें को मारा, पांचवा वाला किसको मारेगा, बारहवें को, तो छठा वाला एक को मारेगा, छठा एक को मारेगा। तो ये जैसा कि इन्होंने बोला कि लाल किताब में जब वर्षफल कुंडली में कोई प्लैनेट आएगा तो टक्कर लग सकती है। यस, टक्कर लग सकती है क्योंकि नेटल चार्ट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है मगर वर्षफल में ये हो सकता है। नेटल चार्ट में नहीं है, किंतु नेटल चार्ट में अगर देखिए क्या नाम है, राशि के हिसाब से प्रॉब्लम है। जैसे छठे घर में बारहवीं राशि है और नवा घर बुध का है, थर्ड जेमिनी राशि है, तो बारहवें घर का गुरु जाकर के नवम में बैठा है जेमिनी की राशि में, और जेमिनी का बुध जो है वो आकर के छठे घर में बैठा है इसके इसके घर में, गुरु के घर में। तो एक तरह से तो मतलब विपरीत राजयोग हो गया। अच्छा, बड़ा अच्छी चीज पूछी आपने, विपरीत राजयोग। अच्छा, किंतु 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 है ये, लेकिन आपस में दुश्मन। अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूँ, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, विपरीत राजयोग बड़ा अच्छी चीज है। कोई इसके बारे में मैं चाहूंगा, मैं कुछ जितना मुझे नॉलेज है मैं बताऊं, कोई और कुछ इस पे कोई रोशनी डालना चाहेगा, या पहले मैं बताऊं फिर कोई और। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सभी लोग कुछ ना कुछ अपने अपना नॉलेज शेयर करें। सर मैं बोलूं? जी अरुण जी प्लीज बोलिए। सर अभी जैसे ये बात चल रही थी मरकरी सिक्स्थ हाउस विद केतु, सर वहां पे